नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ 3 वर्षा वर्णनम पाठ के आपने पहले 3 मंत्रों का अनुवाद पढ़ा। उसका चौथा मंत्र है क्षेत्राणि सस्य संपत्ति भी कर्षकाणाम मुदु ददु धनिनानाम उपतापाम च देवाधीनाम अजानाताम। इसका अर्थ है कि क्षेत्राणि सस्य समृद्धि शब्द का अर्थ है कि खेतों में धान्य रूपी संपत्ति के द्वारा, खेतों के धान्य रूपी संपत्ति के द्वारा कर्षकाणाम शब्द का अर्थ है कि किसान मुदुम ददु किसानों को आनंद देती है। खेतों की धान्य रूपी संपत्ति के द्वारा किसानों को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन देवाधीनाम अजानात, देवाधीनाम शब्द का अर्थ है कि भाग्य के अधीन होने के कारण अजानताम नहीं जानने वाले, देवाधीनाम शब्द का अर्थ है कि यह सब भाग्य के अधीन है। अजानताम शब्द का अर्थ की नहीं जानने वाले, धनिनाम शब्द का अर्थ है कि धनिक धनिकों को धनवानों को, उपतापाम शब्द का अर्थ की संताप प्राप्त होता है, संताप शब्द का अर्थ की दुख प्राप्त होता है। दोनों लाइन का अनुवाद इस प्रकार से होगा, फिर से सुन लो एक बार कि क्षेत्राणि अर्थात खेतों में सस्य संपत्ति भी, खेतों में धान्य रूपी संपत्ति के द्वारा, खेतों के धान्य रूपी संपत्ति के द्वारा कृषकाणाम मुदह ददु किसान आनंदित होते हैं, लेकिन देवाधीनाम, लेकिन यह सब भाग्य के अधीन है। अजानाताम नहीं जानने वाले, धनिनाम नाम शब्द का अर्थ की धनवानों को, संतापाम शब्द का अर्थ की दुख देता है, दुख प्राप्त होता है। पांचवा मंत्र है जल स्थलोकस सर्वे नवारी निःशेषवया अभिभ्रद रुचिरम रूपम यथा हरि निःशेषवया। जिसका अर्थ है कि यथा जिस प्रकार भक्त हरि निःशेषवया भगवान की सेवा करके, हरि निःशेषवया शब्द का अर्थ भगवान की सेवा करके, तो जिस प्रकार से भक्त भगवान की सेवा करके रुचिरह रूपम शब्द का अर्थ की सुंदर रूप, अभिभ्रद शब्द का अर्थ की धारण करता है, सुंदर रूप धारण करता है, उसी प्रकार नहवारी निशेषवया शब्द का अर्थ है नए जल के सेवन करने से या नए जल के प्राप्त होने से, उसी प्रकार जल स्थलोकस सर्वे अर्थात उसी प्रकार जल और स्थल पर निवास करने वाले सभी प्राणी, उसी प्रकार जल और स्थल पर निवास करने वाले सभी प्राणी नवारी निशेषवया नए जल के प्राप्त होने पर अथवा नए जल के सेवन से रुचिरह रूप अभृदम नए रूप को धारण करते हैं।